विदिशा जिले के ग्यारसपुर में अभी तक के कोरोना का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। कंटेनमेंट एरिया में आई 11 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, जिसमें से 24 सैंपल लिए गए थे। एक सप्ताह पूर्व एक महिला की आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, उन्हीं के परिवार में से दो लोगों की आई पॉजिटिव रिपोर्ट और उनके घर के पड़ोसी के परिवार के 9 सदस्यों की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग की टीम। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। ठीक है, हम लोग क्या कंटेनमेंट जोन में अपने 11 स्कूल में हम लोग शुरू से एक ही काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन में जितने भी लोग कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं, हम सबके सैंपल लेते हैं। और अब सैंपल हम पहले 5 से 14 दिन के बीच में 7वें दिन ले रहे थे, 8वें दिन ले रहे थे, इस बार हमने सैंपल 12वें दिन लिए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, गाँव में गाँव घर पास पास में होते हैं, सब एक लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो पूरे कंटेनमेंट एरिया के सैंपल निकालने की वजह से ये रिपोर्ट 10 की पॉजिटिव आई है। 138 में से 10 पॉजिटिव निकले हैं। सर, एक चीज़ और देखने में आ रही है, कंटेनमेंट जोन में आज कल कुछ सिक्योरिटी गार्ड किसी को नहीं बिठाया जा रहा प्रशासन द्वारा, इसका क्या वजह है? वो पुलिस फोर्स है, लेकिन पुलिस फोर्स की कमी की वजह से कुछ नहीं, कोटवार को बिठाया जाता है जी, चौकीदार रहता है यहाँ पर। पुलिस बल थोड़े से कमी की वजह से हर कंटेनमेंट जोन में पुलिस कर्मचारी को बिठाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोटवार लोग बैठते हैं, चौकीदार बैठता है। सर, साथ ही जो जिन लोगों के सैंपल लिए जाते हैं, क्या उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाता क्या? क्वारंटाइन किया जाता तो सर देखा जाता है कि जितने लोगों को सैंपल किए जा रहे हैं वो अपने घर से बाहर घूमते हैं, इससे भी कई संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आप लोग मीडिया वाले हमारी महत्व करें कि आपको जो भी जिनके सैंपल लिए अगर बाहर घूमते हुए निकलते हैं तो उनके ऊपर FIR का प्रावधान है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि सैंपल लेके बाहर घूम रहा, तो हम लोगों को इत्तला दें, हम उनके ऊपर FIR करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।